हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने यहाँ पर सिंबर रोटी ले ली हैं जो हम नॉर्मल बनाते हैं, और पालक के भी हमने ऐसे सिंपल ही रोटियाँ बनाई हुई हैं। तो हम आप सिंपल भी बना सकते हैं, पालक की बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल भी लिए हैं और पालक के लिए हैं, क्योंकि पालक बहुत हेल्दी होती है। तो बच्चे पालक नहीं खाते हैं, ऐसी हेल्दी चीज़ें बना के आप बच्चों को खिला सकते हैं। ये वीडियो ऐसे हम बच्चों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि हमारे घर हमारे भी बच्चे हैं तो इस तरह से खाते नहीं हैं। तो इनको हमने थोड़ा सा अलग लुक चेंज करके बच्चों को खिलाने का एक अलग तरीका निकाली थी। तो सोचे चलो ऐसे ही हम बच्चों को खिलाते हैं, तो हम सोचे चलो आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करते हैं। तो हमने एक पालक की जो रोटी ले ली थी, उस पर हमने पालक और आलू को जो सब्जी बनाई थी उस पर हमने रख लिए हैं। पालक थोड़ा कम ही रखे, आलू ज़्यादा रखे हैं। उस पर हमने डाल दिए हैं जो चटनी था, चटनी केचप आप कोई भी ले सकते हैं अपने पसंद की। हमारे पास मोमोज की चटनी थी तो हम लगा दिए ऊपर से। उसके बाद हमने मेयोनीज डाल दिए हैं, और उसके ऊपर हम प्याज डाल देंगे। प्याज भी वैसे बच्चों को अच्छी लगती है। आप के बच्चे का टमाटर खाते हैं, गाजर खाते हैं, खीरा खाते हैं, तो आप और भी इसमें सैलड डाल सकते हैं, लेकिन हमने उतना ही डाला है कि बच्चे आसानी से खा लें। तो इन सारी चीज़ों को डाल के हम रोटी को ऐसे फोल्ड कर देंगे। आप यहाँ चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें सिंपल ही बनाया है सिंपल चीज़ों से, ताकि बच्चे हेल्दी चीज़ें ऐसे खा सकें। वैसे तो पनीर वगैरह बच्चे खाते ही रहते हैं, बट ये खिलाना ज़रूरी था। तो हमने इसको इसी तरह से बना के और खिलाने की कोशिश की, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से खा लिए थे। तो हमने यहाँ पे एक टूथपिक डाल दी। आप चाहें तो इस पे सिल्वर फॉइल लगा सकते हैं, क्योंकि घर में बच्चों को देना है। तो हमने यहाँ पर टिश्यू पेपर लगा दिए थे, ताकि बच्चों के हाथ खराब ना हो और ईजी बच्चे खा लें। तो यहाँ पर हमने ऊपर से थोड़ी सी और मोमोज की चटनी डाल दिए हैं, क्योंकि मोमोज की चटनी काफ़ी तीखी और चटपटी होती है, तो इस तरह से बच्चे खा लेते हैं। तो ऐसे ही हमने सारे बना के रेडी कर लिए। आप सिंपल रोटी में भी दे सकते हैं, रोटियों के भी परोठियाँ भी बना के दे सकते हैं, पालक के, मेथी के, जो भी आप खिलाना चाहते हैं ना, इस तरह से बच्चों को दीजिए। बच्चे बड़े आराम से खाएंगे, नहीं दिल करेगा खाने का, पर इसका जो लुक देख के ना बच्चे ज़रूर खा लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा है। हमने दो सिंपल रोटी ले ली है, दो पालक की रोटियां ले ली है, और इसमें वही सिर्फ आलू और पालक की जो हम सब्जी बनाए थे उसके अंदर डाल के थोड़ी सी चटनी और मेयोनीज डाल के हमने बस सर्व कर दिए थे। आप इसके ऊपर कोई फ्रूट लगा सकते हैं। हमारे पास एप्पल पड़े थे, तो हमने उनके बड़े बड़े पीस काट के, और जो टूथपिक का लकड़ी था उसके ऊपर हम लगा दिए हैं। और मैं बोली बच्चों को कि आज हम पालक के सब्जी बनाए, बच्चे बोले नहीं खाएंगे। जब इस तरह से मैं उनके सामने लेके आई ना, तो फटाफट बच्चों ने उठा लिए दोनों। तो इस तरह से आप भी बना के और बच्चों के सामने देखिए, अगर भूख भी नहीं होगी ना तो भी दो रोटी खा ही लेंगे। तो खाने का एक तरीका ये भी है, अगर बच्चे ऐसे नहीं खाते तो आप इस तरह से ज़रूर खिलाइए। देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है बच्चों को खिलाने के। बड़े बड़े तो खा ही लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये चीज़ें हेल्दी हैं, अच्छी हैं सेहत के लिए। और सर्दियाँ में पालक तो हर मौसम में मिलता है, पर सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही सब्जियाँ मिलती हैं। आप तो इस तरह से आप बना के खिलाइए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बताइएगा कि हमारा ये तरीका आपको कैसे लगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, और सर्दियों में बना के इसे एंजॉय करिए। अगर घर में इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बाहर का खाना भूल जाएंगे। और आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।